चिलुआताल थाना के ओंकार नगर महुआतर में 31 अगस्त की रात घर में सो रही युवती पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर जलाने किए गए प्रयास का पुलिस ने खुलासा किया है, जिसमें आरोपी कमलेश शर्मा पुत्र नेम शर्मा निवासी पैकोली थाना हाटा जिला कुशीनगर को पुलिस ने स्पोर्ट्स कॉलेज के पास से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। कलेक्ट्रेट स्थित पुलिस ऑफिस में घटना का खुलासा करते हुए SSP शलभ माथुर ने बताया कि कुछ माह पहले कमलेश का एक शादी समारोह में युवती से संपर्क हुआ था। उससे मिलने अक्सर वो उसके घर पर आता था, इसलिए उसके घर का पूरा लोकेशन कमलेश को मालूम था। SSP ने बताया कि प्रेम संबंध बनाने के लिए मजबूर करने पर, पीड़िता द्वारा तैयार नहीं होने पर अभियुक्त कमलेश ने मिट्टी का तेल डालकर उसे जलाने का प्रयास किया, लेकिन उसमें असफल रहा। उन्होंने बताया कि अभियुक्त द्वारा पीड़िता को कुछ नगद धन राशि और मोबाइल सेट भी भेंट दिया गया था, लेकिन पीड़िता द्वारा उसके उपेक्षा किए जाने से क्षुब्ध युवक कमलेश ने उसको जलाकर मारने का प्रयास किया, लेकिन उसमें असफल रहा। घटना के संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP शलभ माथुर ने बताया, कुछ कारणों से 24 तारीख से लोगों के बीच बातचीत बंद हो गई। में 31 तारीख 31 अगस्त को एक सूचना आई थी, जहां पर ये जानकारी प्रथम दृष्टया प्राप्त हुई कि एक महिला के ऊपर एसिड छिड़का गया है रात में सोने के दौरान। बाद में इस चीज़ की पुष्टि हुई, वो एसिड नहीं था, वो मिट्टी का तेल था। इसके अंदर अज्ञात में जो परिजन थे उनके द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया गया था। 307 धारा के अंदर अभियोग पंजीकृत किया गया था थाना चिलुआताल के अंतर्गत, और इसके बाद में घटना का अनावरण हुआ। इस बीच जब पीड़िता को जब होश आया, मेडिकली जब फिट हुई, तो उसने भी अपने बयानों में कुछ हम लोग को इनपुट दिया था। हम लोगों ने भी अपने स्तर से इनपुट करते हुए इसके अंदर कमलेश शर्मा नाम के व्यक्ति को जीरो इन किया था। इसके ऊपर रिवार्ड भी किया, 10,000 रुपये का रिवार्ड इसके ऊपर किया गया था। कमलेश शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। कमलेश शर्मा ने अपने जुर्म का इकबाल करते हुए बताया कि घटना उसी के द्वारा कारित की गई थी। उसके द्वारा ये बताया गया कि ये जो पीड़िता थी उससे पूर्व से परिचित था, और जो है पीड़िता से परिचित होने के कारण इसको घर की और एरिया की अच्छी तरह जानकारी थी। कुछ कारणों के से पीड़िता ने इससे बात करना बंद कर दिया, और ये लगातार उससे बात करना चाह रहा था, और जब इस चीज़ में वो सफल नहीं हुआ तो द्वेषवश उसने रात में घटना की। उसने ये बताया कि वो रात में ही वहाँ पर 8-9 बजे के आसपास उस एरिया के आसपास आ गया था। ये भी बताया कि मिट्टी का तेल उसने कहाँ से लिया। उसके बाद रात में करीबन 2:30 से 3, क्योंकि वो पूर्व से उस एरिया से परिचित था, वहाँ पर उसने इस घटना को कारित किया, और खिड़की के वहाँ से जंगले से उसने मिट्टी के तेल से आग जला के फेंकी, जिससे जो है पीड़िता जल गई, और इसने अपने जुर्म का इकबाल किया है, और जो विधिक कार्रवाई शेष वो की जा रही है। चीज़ें प्रकाश में आ रही है। इसका ये भी कहना है कि इसने कुछ पैसे उधार दिए थे और पैसे रिटर्न नहीं हुए थे, और क्योंकि पीड़िता ने इससे बात करना बंद कर दिया था, ये इसके ऊपर दबाव बनाने का प्रयास कर रहा था, उसके बाद उसने घटना कारित की। ये जो इसने पूछताछ में बताया है कि 1.5 से 2 महीने से इनका परिचय हुआ था, एक कॉमन फंक्शन में इन लोग की मुलाकात हुई थी, और उसके बाद बातचीत चालू हुई थी, जो इसने अपने इकबाल में बताया है, और जैसा मैंने बताया कि आवश्यकता होगी तो इनको कस्टडी रिमांड पे भी लिया था। कहाँ रहने वाला? ये कुशीनगर का रहने वाला है। ये अकेला ही था। यहाँ क्या कर रहा था? ये जैसा मैंने बताया कि परिचय हुआ था, परिचय होने के कारण जो है वो यहाँ पर आता था, और इस कारण से इस एरिया से परिचित था। इसकी एज ज़्यादा नहीं है, और इसी घटना को करने के लिए उस रात ये कुशीनगर से गोरखपुर आया। ये अभी स्टूडेंट ही है।